आसमान से भी ऊपर निकल गए, मतलब लगा कि जगह मिडिल क्लास फैमिली है, बिकी पहुंच से बहुत दूर में चल गए। अब कई दिन हो गए, अब तो कई दिन हो गया। जितने सस्ते नहीं होते उतने दिन बंद कर देंगे खाना। एक टमाटर में लगे हुए 20-30 रुपया पड़ा हुआ, बिल्कुल। और सोनो खरीदने की हिम्मत क्या कर रहा है वो? किसानों कोई रेट नहीं मिल रही, किसान तो रो रहा है बेचारा। कुछ युवा शक्ति मौजूद है घरों से, मतलब भावताव से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बापू जी का घर खाई ना, मंगाया भी नहीं लेके भी गुन जा रहा। सब्जी देखिए बाबा अणकी बनाएगी, टमाटर तो भूल जाओ, लाल रंग दो। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण, ते देख रहा हो झलको झुंझुनू, और आज अपन झुंझुनू के मार्केट के अंदर, और टमाटर जगह में बिल्कुल आसमान से भी ऊपर निकल गए, मतलब लगा कि जगह मिडिल क्लास फैमिली है, बिकी पहुंच से बहुत दूर में चल गए। भाव जगह पे 100-150 ने भी बिल्कुल पार कर गए। आज हम मार्केट के अंदर आया हूं, बातचीत कराऊंगा कि के वजह से समझ में आओ लोग आगे कि क्यों इतनों भाव जगह जा रहे हैं, और मेहमान की जेब पर कितनों के खर्चों पड़े है, बातचीत कराऊंगा। इंटरेस्टिंग होना है, शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ? पवन। पवन जी, क्या काम करो? रिटायरमेंट है सब, अब तो घर ही बैठा हूँ। तुमने तो कि सेव शेव खरीदा, कौन खरीदा? सेव के खरीदा तो देखा, देखना पड़ा कि खरीदार के नहीं है। अरे रेडी पर आजकल बाकू नहीं होगी, कोई लाल चीज का नहीं है, आँख करना को जी कौन करे? इनका नहीं है तो 100-100 ऊपर दे रहे हैं, तो क्या चक्कर लगा था ना? क्या हो रही तो मंगा बाबर को? क्यों तो बरसात को मौसम को फर्क है, क्यों फसल ही खत्म हो गई, कोई फर्क तो पड़ेगा? हर के लगा कि वो एक जगह बेड़ो कर ली है, पास वो बोल फटो भी उसके नहीं, नहीं बेड़ा वाले तो यहां के मौसम में करने वाले, आपने तो लगी को नहीं मना। टमाटर तो मेरे हिसाब से बहुत गड़ खराब भी हो जाए, खराब हो जाए हर चीज, फसल खराब होने वाली है यार। अच्छा, तो पहले तो सब्जी में क्या लगता है? टमाटर तो पहले खूब काम यही लेता मैं तो। अब कई दिन हो गए, अब तो कई दिन हो गया। पूरा हाई को नहीं, गुजरात से आया यहाँ। गुजरात में सही है? हाँ गुजरात में ठीक। बड़े के भाव हैं? बड़े तो भाई भाव को तो कौन पे बच्चा लेता है, लेकिन लगभग यही होगा 20-30 रुपए। हाँ यही। अब मुलाया कौन? मुलाया नहीं, उड़ाने के बाद महंगा होगा। 150 रुपए बता रहे हो सके? हो सके 150 रुपया सब्जी में घेर सका? कौन घेर सका? कौन घेर सका? ठीक है, और कुछ डाल लेगा कोई? नहीं नहीं, करना पड़ेगा तो सही बात है। देखो वो आपको बजट तो बनाना पड़ेगा, कुछ और लोग डाल लिया। अब मैंने बताओ की सब्जी खरीदने जाओगे यहाँ, टमाटर का देखोगा कौन देखोगा? नहीं, एक बार जितने सस्ते नहीं होते उतने दिन बंद कर देंगे खाना, दूसरी चीज खा लेंगे। दूसरी खा लोगे ना? चीज और घड़ी खाना, देखो आलू ही, घिया ही, और ही लाल रंग के खाने देखना ही है, बिल्कुल खतरा को निशान हो गए अभी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहे हो? केसर देव। कैसे चुना दो की सब्जियाँ काम कद्दू कर रहे होते? मैं 2017 में कर रहा हूँ। तुमने बताओ कि टमाटर खेत से ले रहे हो या मंडी वगैरह से ले रहे हो? मंडी से ले रहे हो? मंडी से ले रहे हो, तो वो खरीद रहे हो भी है, लोग हाथ लगा लगाए जाए? खरीद भी रहे हैं, कुछ हाथ लगा के भी चले जाए। 40 का पाव बताते हैं, भाग जाए। 40 रुपया किलो लेते, कभी 30 रुपया किलो ले आ करते, आज ये टमाटर इतना आसमान में छू गई। अच्छा, सेब छाव के भाव है? सेब 200 रुपया, 240 भी बेचते। काल तो टमाटर मैंने सुना, यूं भी मंगा। हां काल 160 रुपया किलो टमाटर। टमाटर ले लेंगे वे? हां बातचीत कर सही, मैं पिछाड़ ला गया। राम राम साहब। राम राम। तो सोनो खरीदने की हिम्मत क्या कर रहे हो? अरे खाना तो जेड़े के खाना पड़ो ने। क्या नाम बताओ? नाम है मेरो अली शेर। अली शेर जी, क्या काम करो? मैं रिटायर हूँ आर्मी से। तो बाबू सुन लिया गए, हाथ गाल रहे बाबू तो सुन तो लिया, लेकिन केकरा साहब लेना तो पड़ेगा ना, जीने के लिए खाना पड़ेगा भाई। नहीं तो समझा हुआ तो जाए, आप दो मनना है, पहले आप सस्ता ही, आगे भी सस्ता हो जाएंगे, अवेलेबल मंगा हो रहे हैं। तो अब बंद क्या करे दादो? बंद कौन करे? अब मतलब गेहूँ को भाव अगर 10,000 रुपया क्विंटल हो जा, बंद कर दो गेहूँ खानो। गेहूँ तो बंद कौन कर सका, लेकिन आगे देखा तो और क्यों सब्जी खाई बताओ? बाकी देखो सारी बात भी, देखो फौजी जुको है ना, वो एक बार आगे कदम बढ़ा दे बाबा, पीठ कौन दिखा सके? तो बताओ, हाथ में ले लिया आप तो अली सर जी, खरीदेगा खरीदेगा लेना तो पड़ेगा ना सब। ये वजह था समझ में, अली सर जी इतना भाव बढ़ने के पीछे किसान भी इतनी रेट मिल रही है? नहीं रेट तो किसान तो बहुत तरसते हैं साहब, किसानों कोई रेट नहीं मिल रही, किसान तो रो रहा है बेचारा। 150 रुपया किलो रहे बिक रहे तो मतलब मंडी में किसान का भी 110-120 जा रहे हो? नजदीक में 10-20 लेता हूँ, 60-70 लेता हूँ। अब कई जगह से लाऊंगा, मंडी से लाऊंगा, मंडी और भाड़ो लोग कई जगह लगाऊंगा। ये लोग 60% किसान को ले लिया मंडी, 7% 50-60 रुपया किलो किसान के लिए हो, बाकी लोग बीच के मैंने वही काम चल रहे हैं। वो तो टमाटर खाना बराबर ही कर रहा है, थोड़ा कम करे नहीं? नहीं लोग कम कर दिया, बड़ो कम कर दिया। सारी बताओ थे कम करे कम करे? नहीं नहीं, मैं दो की जगह एक कहना साहब कह रहा हूँ। राम राम जी। राम राम सर। क्या नाम बता रहा हूँ? मनीराम। मनीराम जी, सब्जी रेडी कह देना लगाओ। 24 साल से तो लाल सोनो भी पड़ेगा
लाल सोनो बेचा ना पड़े ये को खरीदे भी है ना, खरीदा भी है पड़े भी रहे है? दोनों से काम अब तो को खरीद के जब सीधी पहचान हो जाए तो करोड़पति है तो मैंने ये तो कोई बात नहीं खाते चीज है मिडिल क्लास खरीदे जा रहे हैं क्या भाव हो रहा है कौन खरीदे जा रहे हैं 120 रुपए किलो 120 रुपए किलो रे अपना तो 150 बता रहा है वो नहीं है बाप की रुचि है इतनी दूरी में फर्क आओगे तो मिट्टी को 50 मीटर को फर्क होगा मेरे हिसाब से तो मंडी का थोका 120 का है 120 थे भी 120 दे रहे होगे 120 अगर मैं बताऊँ की टमाटर का जगह भाव भी आसमान छूगा ही थोड़ा ना खाना कम करेंगे बेच चल रहे काम है खाना वाना सब बंद हो गया बंद होगा ये भाव खाया जाए कर ये पहले तो खाया करता है पहले तो सस्ता ना खाई था आपकी गेरो टमाटर की जगह हरी मिर्ची गेरो कुछ युवा शक्ति मौजूद है घनों से मतलब आन कोने भाव था उसे क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बापू जी का घर खाई फिर भी बातचीत कर ले हाँ जी राम राम जी राम राम जी के नाम बता रहे कार्तिक कार्तिक जी मैंने तो टमाटर घर का मंगाया ले जा रहा है ले जा रहा ना मंगाया भी कोनी लेके भी कौन जा रहा क्या लेके क्या कौन जा रहा ना खावा भी कोनी खावा ही कोनी महंगा था वो यहीं पे तो खाता होगा पहले फिर सस्ता आना खा लेता हाँ जी राम राम जी राम राम क्या नाम बता रहो कमल तो मुझे कौन सा गाँव है दाबड़ी तुमने बताओ की टमाटर टमाटर कितना के भाव रहे हैं आगे ना बेरो ही कोने घर लाग रहे हैं बे खा लिया घर लाग रहे हैं अच्छा और बिकना बड़ा बंद होगा 150 रुपए किलो रहे हैं ना मैं लियाओ नहीं लियाओ ना हाँ यो काम ठीक है बता बार तुम बताई ही कुछ और लोगों से जान लिया हाँ जी राम राम जी राम राम जी क्या नाम बता रहो दीपेश दीपेश जी क्या काम करो थे कोचिंग कर रहे हो कोचिंग कर रहे हो तो घर का कोई सब सब्जी मंगाया करता है पहले ना पहले भी कौन मंगाता है अब भी कौन मंगाओ टमाटर भाव उबेरो कम बेरो टमाटर भाव बेरो आगे टमाटर का भाव भैया 100 रुपए किलो ऊपर ही चल रहे हैं खरीदया कौन खरीदया खरीद के करांगे महंगाई के दौर में बस नमकीन खरीद लिए सब्जी वाली नहीं सब्जी वाली नमकीन दिखा दे एक बार दिखा दे एक बार दिखा दो हां सब्जी अबे सब्जी जगह बा बनगी बनेगी टमाटर तो भूल जाओ लाल रंग तो भूल जाओ भैया लाल रंग लाल रंग क्या भाव होगा बड़ा होगा सब्जी टमाटर की अजी के भाव बना तो अब तान मेरा 20-30 रुपए किलो आवेजना बना ये नमकीन भी ले लिया है पापड़ भी ले लिया है पापड़ भी ले लिए बिल्कुल भाई जी ये देखो महंगाई रात कैंपो आसानी मिलनी चाहिए ना सबने अब हरी सब्जी तो भूलनी पड़ेगी हरी सब्जी भूलनी पड़ेगी महंगाई में खरीद की खाई जा बताओ पहले तो खाद खरीदा कर अब अदरक 260 रुपए किलो हो रही है अच्छा बताओ लो अदरक तो चाम में पड़े सब्जी जुड़ पड़ा है जी सब्जी में भी पड़ा है सब्जी में कह रहा थे बताओ टमाटर का भाव बढ़ गया तो खरीदना चालू ही बंद कर दिया ना चालू ही है चालू के भाव हो रहे मेरे 100 रुपया 120 रुपया एक लिटर टमाटर की चटनी भी बनाया कौन बनाया 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 तो बता रहे हैं कि टमाटर की चटनी भी खाई खाई जा सका 150 रुपया किलो कमाई ने टैक्स चला के तो कौन खाई जा सका कोई अल्टरनेट धंधो हो हां मन और को लागे कोई खाई जाएगा क्या बता रहे हो पिसाला को नहीं खाई जाए हां पिसाला को आ बात सही है पिसाला को कौन खाई जा लेकिन मन लागे बस चटनी एकली खानी पड़ा मन लागे नहीं सागे मिर्ची मिला लियो से अच्छा तेरा क्या नाम है मेरा विजय नाम है क्या नाम करो क्या काम करो विजय जी मैं सैमसंग में जॉब करूं सैमसंग जॉब करो टमाटर वगैरह खरीदे हैं कौन खरीदे हैं बिल्कुल खरीद रहे हैं साहब आप तो महंगा है तो खाना तो पड़ेगा और खावा तो खाने के लिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा बाकी महंगा बहुत ज्यादा हो रहा है महंगा ज्यादा हो रहे हैं पहले आधी किलो खरीदा था बड़े पाव पर आया नहीं 2 किलो 2.5 किलो के समथिंग की रेट 1 किलो आ रही है अब अच्छा नहीं पहले जैसे सब्जी में पाव गिरा करता थोड़ा कम हुआ है नहीं अब एक काम कर दिया थोड़ा फर्क तो पड़े ही है ज्यादा थोड़ा नहीं वजह था क्या समझो क्या लगा किसान भी बार रेट मिल रही है किसी की आफा नहीं था ना मंडी का भाव 50 रुपया हम किलो मिल रहे हैं एकदम जो कस्टमर रेट है अच्छा। और ये मार्केट में आके दुगने रेट आ रही है वजह क्या समझ में आता है वजह तो साहब धंधा है आपके हिसाब डिसाइड कर रखी है लेकिन केला के किसानन आपकी रेट मिल रही है 120 रुपए नहीं किसानों को नहीं मिलेगी ये बीच में गड़बड़ हो रही गड़े है दलाल ही खा जाएंगे अंदर अच्छा आन तो भी रेट पे मिला या तो कौन खा जाएंगे दे? नहीं आन को नहीं मिला आन तो आगे भी रेट के ऊपर ही मिला अच्छा जी साहब देख रहे हैं कि पब्लिक जगह बिल्कुल परेशान है सबको खाना है कि टमाटर जगह पे खाना बिल्कुल बंद कर दिया फिर कम कर दिया ही और देखिए इसमें खास बात है देखिए भाई ये कि किसाना का जो है वो फायदों को नहीं रहे बीच में आप बात करा कि मंडी की जगह कुछ परसेंट भी के अंदर कर जाए या फिर दलाल की बात करा या फिर कुछ लोगों को ये भी खड़ा होगी ये टाइम जो वो झुंझुनू के अंदर टमाटर की उत्पादन जो है वो कम है और बाहर से टमाटर आया है तो भाई यह वजह की इतना जो महंगो हो रहा है और रसोई का जो बजट है वो बिल्कुल बिगाड़ के रख रहा है फिर भी टमाटर हैं कि महंगाई में खा रहा हो गए अगर खा रहा हो तो भी की संख्या जगह क्वान्टिटी थे कम करिए कौन करिए वजह था कैसे समझ आया है तो मानक जरूर बताओगा वीडियो शेयर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तरो प्यार ऐ बनाए रखो।